परमेश्वर, ये क्या आंखों में आंसू? ये आंसू नहीं है, आनंद का अनुभव है। सरस्वती की वीणा सुनकर खुशी के आंसू निकल आए। पर शिवजी की आंखों में खुशी के आंसू? संगीत विचार अनुसार सरस्वती जैसी मेरी कोई बेटी होती तो कितना अच्छा होता। परमेश्वर की जो इच्छा है पूरी हो। खुशी हुई बेटी, अत्यंत खुशी हुई। तुम नागलोक में जाकर वहां की रानी बनो, वहां पर तुम्हें संपूर्ण स्वतंत्रता है। जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव। ओम नमः शिवाय। महादेव, हे महादेव। ओ सेठ जी, आइए आइए। तुमसे अपना स्वागत करवाने यहाँ नहीं आया हूँ। कर्ज लेकर 18 महीने हो गए हैं। कहाँ है मेरा पैसा? कुछ दिन रुक जाइए सेठ जी, मेरे हाथ में पैसे नहीं आए हैं। देखो, तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं ये सुनने के लिए नहीं आया हूँ मैं। अब ये बातें छोड़ो और पहले मेरे पैसे छुट्टे करो, नहीं तो इस जगह से मैं हिलूंगा नहीं। अगर आप ऐसी जीत करेंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा, आप ही बताइए सेठ जी। ब्याज दूंगा कहकर तुमने तारीख दी, अब इन तारीखों से मैं परेशान हो गया हूँ। सेठ जी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है क्या? है ना तुम्हारी बीवी और बेटी, उन्हें बेचकर मेरे पैसे लौटा दो। सेठ जी, मैं अपनी बीवी और बेटी को बेच दूं? ये क्या कह रहे हैं आप? हरिश्चंद्र ने भी अपनी पत्नी को बेचा, तुम नहीं बेच सकते उसके जैसे जो हो। सीधी तरह तुम मेरे पैसे लौटा दो। जरा इज्जत से बात कीजिए, आप अपनी हद में रहिए। पहले मेरे पैसे लौटाओ, बाद में बात करना। आपको पैसे चाहिए? ले लो, इन्हें बेचकर आप अपने पैसे ले लेना। ये सब मुझे नहीं चाहिए, इसके बदले में तुम ही क्यों नहीं मेरे साथ आ जाती? क्या कहा? मैं आ जाऊं? मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं? आकर देख कैसे पालता हूँ तुझे। पालोगे? बिल्कुल सच। अच्छी तरह पालोगे? हाँ रानी।
इतना घमंड है तुझे? एक ना एक दिन मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। चल चल, मेरे भगवान शिव पार्वती हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। चलिए पिताजी, पूजा पूरी करते हैं। नाग कन्याएं परमेश्वर के आनंद को बढ़ाती ये कन्याएं हैं। आज से ये नागलोक की स्वामिनी होंगी, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। आप सभी अपनी रानी का स्वागत करके इन्हें सिंहासन पर बिठाइए। कुमार बड़ा हो चुका है, हम भी बूढ़े हो गए हैं,
कुमार का विवाह करके इस राज्य को उसके हवाले करके हम भगवान के ध्यान में समय बिताएंगे। यही ठीक होगा। कुमार के लिए आप कन्या ढूंढ रहे हैं ना? ढूंढ रहा हूँ, परंतु अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है मैंने। शीघ्र निर्णय लीजिए, मुझे बहू को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। मुझे भी इच्छा हो रही है, परंतु कुमार को उसके लिए समय तो मिलना चाहिए। माता जी। कुमार तू आ गया बच्चे, दीर्घ आयुष्मान भव। बेटा कुमार तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ माँ। पिताजी बैठो। बैठो बेटा। ये क्या कुमार इस तरह अचानक आ गए? गुरु जी की आज्ञानुसार उनके बताए हुए सभी कार्य पूरा करके यशस्वी होकर लौटा हूँ। गुरु जी ने कौन सा कार्य करने को कहा था? देश देश घूमकर लोगों की पीड़ा पद्धति संस्कृति को समझने की आज्ञा दी थी उन्होंने पिताजी। जिस समय मैं देश विदेश का भ्रमण करके वापस लौट रहा था, दक्षिण की ओर आते समय एक दुष्ट अहंकारी राजपुत्र ने मेरा रास्ता रोका पिताजी। कुमार फिर क्या हुआ? जब मैं वहाँ से चलने लगा तो मुझे उसने अपने पैर पड़ने को कहा। उस समय मुझे गुरु जी की बात ध्यान में आई, मैंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। हिंसा कार्यों को दुष्ट कर्मियों को मिटाकर उनका राज्य दिला दिया पिताजी। उसके अत्याचार से जो प्रजाजन दुखी थे उन्होंने मुझे भेंट प्रदान किया, उन वस्तुओं को ले जाकर मैंने गुरु जी को समर्पित किया माँ। अच्छा किया कुमार, तुम सदैव कीर्तिशाली रहो यही हमारी आशा है। मगर बेटा तुम हमारी इकलौती औलाद हो, अपने प्राणों की रक्षा होशियारी से करना बेटी। माँ जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मुझ पर है मुझे कुछ नहीं होगा। मैं क्षत्रिय हूँ, आपका पुत्र हूँ, दुष्टों को सजा देना हमारा धर्म है ना पिताजी। बहुत अच्छे कुमार बहुत अच्छे, जाति धर्म राज्य पालन का ज्ञान तुम में भरा है। निरंतर इसी नीति का पालन करके धर्म से सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य के पालन के लिए किसी भी कष्ट की चिंता मत करना कुमार। हाँ अब बातें बस कीजिए, इतने वर्षों बाद तो कुमार गुरुकुल से लौटा है, अब इसे जरा भोजन पान करने दो। हाँ माँ आपके हाथों से खाना खाए बहुत दिन बीत गए। माँ जी हाँ? मुझे भी आपके हाथों का खाना खाए हुए काफी वर्ष हुए हैं, इसलिए राजकुमार के साथ मुझे भी तुम्हें भी मिलेगा। चलो चलो बेटा जाओ। हर युग ले ले परलोक ले ले, धर्म जो समझे ब्रह्मा वो ले ले, धर्म जो समझे ब्रह्मा वो ले ले, जिसका मार्ग रहा उत्तम ये, जिसका मार्ग रहा उत्तम ये, जीवन उसका सफल हुआ है। तेरा स्थान है तीर्थ धाम, करुणा धरुणा कार्य है करना, तेरा स्थान है तीर्थ धाम, तीर्थ धाम, तीर्थ धाम, तीर्थ धाम, तीर्थ धाम। आइए नारद जी, विराजिए नारद जी। धन्यवाद। नारायण नारायण। भूलोक में क्या विशेष है? सब कुछ विशेष ही विशेष है देवी, सकल लोक में पूजनीय शिव पार्वती की महापूजा हो रही है। बहुत खुशी की बात। इसी तरह आपके सहोदर विघ्नेश्वर की छत्रपति मानकर उनकी पूजा हो रही है। उनका सहोदर कुमार स्वामी उनका सेनापति होकर नित्य गौरव पूजा प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात सबकी पूजा हो रही है क्या? हाँ 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 सबकी पूजा हो रही है। और मेरी? आपकी पूजा पूजा महेश्वर की पुत्री होने के नाते मेरी पूजा नहीं होती? ना ना आपकी पूजा कहीं नहीं होती, लोगों को गणेश शर्मुख पर जो भक्ति है वो आप पर नहीं है। उनकी तरह मैं भी शिव जी की बेटी हूँ। वो दोनों माँ पार्वती के पुत्र हैं और आप शिव जी के आनंद अनुभव से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए उन पर जो भक्ति है वो आप पर नहीं है। क्या लोगों को मुझ पर भक्ति नहीं है? ये द्रोह है, महाद्रोह है, महाद्रोह है। मैं अभी जाकर अपने पिता से चर्चा करके इसका उपाय निकालूंगी। यही सही रहेगा, आपके पिता शिव जी से ही पूछते हैं। चलिए। हाँ चलिए। नारायण नारायण। पिताजी हमारी वंदना स्वीकार। नमः शिवाय। बोलिए नारद जी, भूलोक में क्या विशेष है? कुछ तो विशेष है। क्या है बेटी? भूलोक के वासी मेरे सहोदर को जिस तरह पूछते हैं मुझे भी उसी तरह पूछे, ऐसा वर दीजिए।
इस प्रकार का वर प्रसाद प्राप्त करना असंभव है। निष्कलंक चित्त के भक्त कोटियों से आराधना तुम्हें ही प्राप्त करनी होगी। यही भगवान और भक्तों के बीच का निकट संबंध है। भोले शंकर जैसे भगवान और विमला जैसी भक्त तीनों लोकों में कहीं नहीं है, ये सब जानते हैं। विमला कौन है वो? चंपक नगर की एक गरीब की बेटी है, महाशिव भक्त है। शिव भक्त है? आइए देखते हैं। नारायण नारायण। देवी शिव कन्या, देखिए यही शिव भक्त विमला है। ओहो, यही है क्या? हाँ, पार्वती परमेश्वर के सिवाय किसी भी देव को पूजती नहीं है ये। और किसी भी देव को नहीं पूजती क्या? नहीं, किसी भी देव को नहीं पूजती। ऐसा करूंगी जिससे ये मेरी पूजा करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विमला, विमला तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुई। मैं महेश्वर की पुत्री हूँ। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसी भक्त ना होने के कारण मेरी प्रथम पूजा तुम्हारे ही हाथों हो, इसीलिए यहाँ आई हूँ। मेरी इच्छा का प्रण करो। ओम नमः शिवाय। विमला, पंचाक्षरी मंत्रों के साथ मेरा नाम भी स्मरण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विमला, मेरी बात ना मानने का परिणाम तुम्हें अभी दिखा सकती हूँ। ध्यान से बाहर आकर मुझसे क्षमा मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे पूरे घर को नष्ट कर दूंगी। विमला, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब भुगतो। ये क्या हो रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भूकंप आये, भूकंप, भगवान बचाओ। ओम नमः शिवाय, हे परमेश्वर हमें बचाओ। ओम नमः शिवाय, हे परमेश्वर हमें बचाओ, हमें बचाओ। देवी जगदम्बे, ये आंधी किस लिए? हमने ऐसी क्या गलती की? जगदम्बे, हमने ऐसी क्या गलती की? हमसे क्यों रूठी हो माँ? मैं जगदम्बे नहीं हूँ, परमेश्वर की पुत्री हूँ। तुम्हारी बेटी ने मेरा अपमान किया है। तुम लोगों को प्रतिदिन मेरी पूजा करनी होगी। अवश्य, ये तो हमारा सौभाग्य है।
आपकी आज्ञा अनुसार हम प्रतिदिन आपकी पूजा करेंगे। हमें कृतार्थ करके हमारी रक्षा करो देवी। मेरे इस आत्मकलश को स्वीकार करो महाप्रसाद। आप लोगों को मेरी पूजा करने के साथ साथ आपकी बेटी को भी मेरी पूजा करने के लिए मनाना होगा। देवी, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा। तथास्तु। पिताजी, ये सब क्या है? विमला, भयंकर आंधी यहाँ आई और सभी वस्तुएं गिरकर बिखर गईं। बेटी, भयंकर आंधी हमारे घर में? हाँ बेटी, हम दोनों भयभीत हो गए। उस पार्वती परमेश्वर के हम भक्त होते हुए हम पर ये संकट कैसा? आइए उमा महेश की प्रार्थना करते हैं। चलो बेटी। मित्रों, इस तरह महल में बैठकर बस खाने पीने में समय बिताने से क्या फायदा है, बताओ? राजकुमार, एक काम करते हैं। क्या? युद्ध पर चलें क्या? क्यों नहीं? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं सो जाते हैं। हे, उठ रहे आलसी, सिर्फ कुंभकर्ण की तरह सोने को चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, युद्ध भी नहीं चाहिए और नींद भी नहीं चाहिए, शिकार पर चलें क्या? शिकार? नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ? वहाँ शेर होगा। शेर का नाम सुनते ही बस डर कर चूहा हो जाता है, मूर्ख है ये। हाँ, सही कहा, हमारे राज्य में नए नए शेर आए हैं सुना है, शिकार करें क्या? शेर ही है ना। ओए माँ, महाराज और महारानी आ रहे हैं, पीछे देखो। ये क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? आराम से महल में रहने के लिए कहा तो हमारे राजकुमार शिकार पर चलने की बात कर रहे हैं। कुमार, तुमसे हम जरा भी दूर नहीं रह सकते। शिकार पर जाने की क्या आवश्यकता है? वहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? माँ, शिकार पर जाने वाला तुम्हारा बेटा इतना कायर नहीं है जो खुद ही शिकार हो जाएगा। उपायशाली ये दोनों मित्र सदाकाल शस्त्रधारी होते हुए हमारे कुमार को कभी कुछ नहीं हो सकता। माते, तुम उस शस्त्र से एक चूहा भी नहीं मार पाते हो, पता है ना? अरे मुंह बंद कर। आप लोगों को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। डरो मत देवी, इसे आशीर्वाद देकर भेजो। जगदम्बे, सदा तुम्हारी रक्षा, परमेश्वर तुम्हें बचाए। इसी तरह हमें भी आशीर्वाद दीजिए माता। विजयी भव। शेर तुम्हें ही पहले खाएगा, चलो। माँ, माँ, पिताजी। क्या बात है विमला? ये कलश किसका है? बेटी, ये परमेश्वर की पुत्री का दिया हुआ आत्मकलश है। मैं पार्वती परमेश्वर को पूजने के सिवाय किसी और की भी पूजा नहीं करती हूँ मैं। ये जानते हुए इस कलश को इस पूजा गृह में क्यों रखा आपने? विमला, परमेश्वर हमारे लिए पूज्य है, इस नाते उनकी पुत्री भी पूजनीय हुई ना। पिताजी, विवाद किस लिए? इस कलश को पूजा गृह से हटा दीजिए। विमला, हम उस देवी की पूजा करने के साथ साथ तुम भी उनकी पूजा करोगी, ऐसा हमने वचन दिया है। माँ, उस पार्वती परमेश्वर के सिवाय मैं किसी और को नहीं पूज सकती। अगर हमने उनकी पूजा नहीं की तो हम उसके क्रोध का शिकार हो जाएंगे। अगर वो क्रोधित हो गई, तो वो हमारे घर को नष्ट कर देंगी। माँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भालाक्ष और करुणा कटाक्ष से शमशान में भी स्वर्ग धाम साक्षात कर सकते हैं। विमला, मैं महेश्वर की पुत्री हूँ, सर्वशक्ति से संबादित हूँ। मेरे आत्मकलश का अपमान करने के कारण मैं तुम्हारे होने वाले सुहाग को जल्द ही मिटा दूंगी, ध्यान रहे। मैं शिव भक्त हूँ, शिव पार्वती के सिवाय किसी को नहीं पूजती, पंचाक्षरी मंत्रों के सिवाय किसी मंत्र का उपचार नहीं करती। हाँ, इतना घमंड है तुम्हें? आज नहीं तो कल किसी भी तरह तुम मेरी पूजा अवश्य करोगी। विमला, तुमने महा अपराध किया है। शिव कन्या का अपमान किया। इस तरह आग्रह करने से सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त करेगी?
सब ईश्वर की इच्छा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी भी असंभव कार्य को मैं संभव करके दिखा सकती हूँ। एक क्षण में इस जग में प्रलय ला सकती हूँ। ये विमला मुझसे टक्कर लेने चली है। इस तरफ चलो। तुम लोग नहाती रहो, मैं मंदिर जाके आती हूँ। बस करो ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। आप कौन है? चेहरे के भावों से तो आप शिव भक्त लगती हैं। हाँ, हर पल शिव जी को पूजने वाली शिवदासी हूँ। ऐसा है तो ये लो, भक्ति का फूल है, शिव प्रसाद समझकर लगा लो। शिवार्पणमस्तु। स्वामी आप कौन हैं? मैं एक शिव भक्त साधु हूँ। लगता है जैसे शिव जी पर आपकी अटूट श्रद्धा है। जिस उपवन से मैं ये फूल लाया हूँ, वहाँ फूलों का लिंग रूप बना हुआ है। फूलों का लिंग रूप बना है? हाँ। स्वामी दर्शन प्राप्त हो सकते हैं क्या? अवश्य, आइए दर्शन करते हैं। शिवोहम, आइए शिवोहम, भवोहम। शिवोहम शिवोहम, आइए भवोहम। शिवोहम 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 भवोहम। स्वामी और कितनी दूर है आपका बताया हुआ लिंग रूप फूलों का गुच्छा? यही है बस थोड़ी दूर, आइए। शिवोहम 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 भवोहम। स्वामी और कितनी दूर चलना होगा, कहाँ ढूंढना होगा? यहाँ वहाँ ढूंढने की क्या आवश्यकता है, तुम शिव भक्त हो, तुम में ही लिंग है। इस पुजारी को अर्पित कर दो, मैं पूजा करूँगा। कौन हो तुम? इन पत्थरों के अलावा तुम्हारा बताया हुआ लिंग रूप फूल कहाँ है? मेरी दृष्टि अनुसार ये सभी पत्थर लिंग का ही रूप है। रसिक चकोर चंद्र की किरणों का पान जब तक ना करे पानी ग्रहण नहीं करता। तुम चकोरी हो, मैं चंद्र हूँ। तुम्हारे सौंदर्य को मुझे देकर मेरी रसिकता को थोड़ा चख कर तो देखो सुंदरी। शिवा शिवा, साधु होकर ऐसी बातें करते हो? साधुओं में भी काम की भावना उत्पन्न होती है। वो कोई साधु नहीं, पाखंडी होता है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी आबरू मरते दम तक नहीं खोऊंगी। परंतु तुम्हारी आबरू छीनने की ताकत मुझ में है। हाँ मैं हूँ। लगता है कोई किसी औरत पर अत्याचार कर रहा है। उसे ऐसे छोड़कर जाना अन्याय होगा। हमें उस औरत को बचाना होगा। यह हमारा धर्म है, चलो। बचाओ।
उस दिन तुमने मेरे गाल पर तमाचा मारा था, याद है ना? अब मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। अबला नारी पर हाथ डालते हो, छोड़ दो उसे। ये कहने वाले तुम कौन हो? संकट के समय लोगों की रक्षा करने वाला। संभल कर राजकुमार। Get it!
से लायक है तुझे। ये लड़की की और मारो ना, ठीक करो इसे। अरे पाखंडी कहीं का, ये ले, ये ले। बड़ा वाला पसंद साधु बनता है, बड़ा आया। आगे से हिम्मत नहीं करेगा किसी को छेड़ने। मेरी टोपी क्यों पहनी तूने? तुमने मेरी टोपी क्यों पहनी? अरे मेरी टोपी है ये। अरे ये मेरी टोपी वापस दे। तुम्हारे बाप की है, दो मुझे। लाओ। आपने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। तुम कौन हो? मैं एक गरीब की बेटी हूँ। आज आपके कारण मेरी इज्जत बच गई। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। संकट में फंसे हुए लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप क्षत्रिय हैं? हाँ, मैं इस देश के महाराज का बेटा हूँ। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे कोई डर नहीं। क्या हुआ? आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, भगवान दो दिलों को किस तरह से मिला देते हैं, मैं ये सोच रहा था। मतलब आप इसे अपनी खुशनसीबी समझते हैं? तुम्हारा जो नसीब है, आज से वही मेरा भी नसीब है। देखिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप एक राजपुत्र हैं और मैं एक सामान्य गरीब की बेटी हूँ। एक अमीर व्यक्ति होने के नाते आपका हाथ थामना, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। योग्यता अयोग्यता के बारे में मत सोचो, दिल देने पर एक होकर जीना चाहिए। मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा हूँ। मैं अपने दिल को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। स्वीकार करना ना करना मेरे हाथ में नहीं, ये इतनी छोटी बात भी नहीं है। हम सामान्य लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, इस देश के राजकुमार हैं। आपकी पत्नी बनना मेरे लिए असंभव है। आपका और मेरा रिश्ता ये नहीं हो सकता। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। दो दिलों के मिलने पर बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आपके मन की भावना है, मैं ये समझ सकती हूँ। किसी सुंदर वस्तु को देखते ही उसे पाने की अपेक्षा सहज होती है। ये सभी सामान्य बातें हैं, ये आपके लिए बिल्कुल सामान्य है। फिर तुम्हें संदेह क्यों है? हाँ, पंच तत्व हैं, काम क्रोध मदमोह वात्सल्य, ये पांच तत्व हैं। इसलिए मन की आशाओं का त्याग करना ही पड़ता है। आपको मुझसे प्यार हो गया, क्या ये शाश्वत है, स्थिर है क्या, बताइए मुझे। हाँ, ये मेरा स्थिर निर्णय है। आपके निर्णय को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन हमारी इच्छा आशाओं के लिए अनुमति देने वाले हमारे बड़े भी हैं। उन्हें पूछकर अनुमति पाकर कोई निर्णय लेना हमारा कर्तव्य है, ऐसी मेरी भावना है। तुम्हारी इन भावनाओं को मैं मन से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा निर्णय भी एक बार सुन लो। तुम्हारे और मेरे बुजुर्ग अगर ना माने तो मैं इस जन्म में ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा, ये मेरा तुमसे वचन है। इस बात के भगवान सूर्य साक्षी हैं। स्वामी, मेरी सहेलियां मेरी राह देख रही होंगी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। देख देख, हाँ, चल चलते हैं। मित्र मित्र, शिकार में शेर या हिरण तो नजर आया होगा ना? आहा, वो चांद सा रोशन चेहरा उसका, वो झील से गहरी आंखें उसकी, वो उसकी मीठी आवाज जैसे कोयल की बोली। बस करो अपनी भावनापूर्ण कविता को। अरे तुम तो उसके प्यार में बुरी तरह से पागल हो चुके हो, अब क्या होगा? हमारे प्राण गए। चलो अब चलते हैं,
विमला डरो मत, हाँ। हमने उसे ठिकाने लगा हाँ। दिया है, चलो अब घर चलते हैं। चलो। अगर विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो ब्रह्मचारी ही रहूंगा। हाँ, उम्र ही ऐसी है, क्या कहते हो? हाँ। ये बात हम महाराजा महारानी को बताएंगे, ठीक है? फिर वो सोचेंगे क्या करना है। चलो अब चलो यहाँ से राजकुमार। ठीक है, अब चलो, चलो मेरे बाप, चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विमला, इतनी देर तुम कहाँ थी? गंगा पूजा के लिए नदी के पास गई थी। उस गंगा माता की दया से मेरी आबरू और प्राण दोनों बच गए। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? वो भैरव ने मुझे पकड़कर मान भंग करने का प्रयत्न किया। उतने में ही एक भला आदमी आया और मुझे उसने बचाया। पिताजी, कौन है वो पुण्य आत्मा? ऐसा उपकार करने वाले मनुष्य का हमें सदा आभारी रहना चाहिए। रहना चाहिए पिताजी, उनके मन में क्या है ये मुझे अच्छी तरह पता है। क्या है बेटी? आह पिताजी, वो बोलो ना बेटी। छोड़िए ना पिताजी। मैं समझ गया। ये तो सब ईश्वर की इच्छा है। उस सुंदर कन्या को देखते ही हमारे युवराज का चंचल मन पिघल पिघल कर पानी होकर बहकर चला गया। कौन है वो कन्या? कौन से राज्य की राजकुमारी है? राज्य भी नहीं है, राजकुमारी भी नहीं है, एक गरीब की बेटी है बस। गरीब की बेटी? गरीब की बेटी से प्यार कर बैठा है? हाँ पिताजी, मेरा दिल अब उसका हो चुका है। प्रभु, जब दोनों के मन एक हो चुके हैं तो ठीक है। अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो मैं इसे नहीं रोकूंगा, विवाह करवा देते हैं। पंडित जी को बुलाकर, उस कन्या के माता पिता को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकाल कर विवाह करवा देते हैं। कुमार की खुशी में ही हमारी खुशी है। परमेश्वर, मैं रात और दिन आपके ही ध्यान में समय बिता रही हूँ। आप में ही विश्वास है मुझे, चाहे आप मुझे सुख दो या दुख दो, अब आप पर ही निर्भर हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। Thank you.
मेरे बस्ती जंगल बने, तू ना रहे तो कुछ ना रहे। दुर्भाग्य बन कर ना पिंड से मुझको जाना घेरा दिखे, एक झलक दिखला जा पास मेरे तू आ जा, एक झलक दिखला जा पास मेरे तू आ जा। तू साध्वी मैं साधना, एक रागिनी एक राग सा, तेरा हाथ मेरे साथ जीवन में जब था गम ना थे, हाथ मेरे साथ जीवन में जब था गम न थे। विमला जी, पिताजी, महाराज तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। बेटी हमें महल में बुलाया है, चलो बेटी चलते हैं। जो शिवजी की इच्छा है वही होगा, मैं शिवजी को प्रणाम करके आती हूँ पिताजी। बेटी ये शुभ समाचार किसने दिया आपको? महाराज ने ही मुझे कहकर भेजा है। अच्छा हाँ, आइए अंदर आइए। पंडित जी, आइए पंडित जी। आज आपको बहुत बड़ा कार्य करना है। आखिर काम क्या है? बताता हूँ। हमारे युवराज एक सुंदरी से विवाह करना चाहते हैं। महाराज और महारानी दोनों मान गए हैं। वो कन्या गरीब है, अगर ऐसा वैसा कुछ आपने कहा तो समझो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। दोनों की कुंडली देखूंगा, अगर सही हुआ तो सही कहूंगा। अच्छा कन्या कैसी है? क्या कहा? परंतु कन्या कैसी है? कन्या कैसी भी हो आपको इससे क्या? आइए चलिए चलिए। कैसा पंडित है ये। कमला तुम्हारा विवाह हुआ है? अभी नहीं। बहुत अच्छी बात है, मुझसे शादी करो। सोचूंगी। सोचो और मुझसे शादी करो। मुझसे विवाह करो। मुझसे शादी करोगी ना मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा। और मुझसे विवाह करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी तरह रखूंगा। अच्छा मुझसे शादी करो। मेरे से? मुझसे? मेरे से? नहीं मुझसे शादी करो। रुको सुनो, मैं तुम दोनों से विवाह नहीं करूंगी। हे, मैं जिस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ तुम उसके पीछे क्यों पड़े? जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे तुम क्यों करना चाहते हो? मैं करूंगा। ओह तुम बड़े मर्द बनते हो, तुम्हारी मूंछ देखो पाताल की तरफ झुकी है। ओह तुम बड़े वीर हो, उस दिन जंगल में एक छोटे से चूहे को देखकर शेर शेर करके चिल्लाने लगे। तुम बड़े वीर हो, उस दिन बिल्ली के बच्चे को देखकर शेर समझकर डर के मारे ये करने लगे। तुम्हें प्यास लगी थी इसलिए किया। क्या कहा? छोटा सा शेर देखा। अच्छा देखो आपस में लड़ाई अच्छी नहीं है, द्रौपदी को 5 पति थे ना, अब हमारी कमला को तुम और मैं 2 पति हैं। ठीक है मेरी बात सुनो, युवराज की शादी के बाद मैं पहले उससे शादी करूंगा। मैं पहले विवाह करूंगा। मैं करूंगा। देख मेरी बात ध्यान से सुन, इस कन्या से पहले मुझे शादी करने दे। जाने दो यार, एक कन्या के लिए हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? छोड़, चलो जल्दी चलो बैठिए। आपकी बेटी है? जी महाराज। मेरे बेटे से शादी करना क्या तुम्हें पसंद है बेटी? हम बहुत गरीब हैं महाप्रभु, और आप लोग सम्राट हैं, ये संबंध वो हम पर छोड़ दो। पंडित जी इन दोनों की कुंडलियों को देखकर निर्णय कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। कुंडलियां तो बहुत अच्छी हैं, मगर क्या बताइए पंडित जी,
कन्या की कुंडली में थोड़ा सा दोष है। दोष? कैसा दोष? ठीक तरह से बताइए पंडित जी। महारानी, कन्या की शादी की प्रथम रात को उसके पति को सांप डस लेगा। क्या? विवाह के उपरांत पहली ही रात्रि को मेरे बेटे को सांप डसेगा? जी महाराज, कन्या की कुंडली में यही दोष है। इस कन्या का हाथ थामने से प्रथम सुहाग रात के दिन आपके कुमार को सांप अवश्य डसेगा। इस कारण राजकुमार की मृत्यु होकर रहेगी। ऐसा है तो राजकुमार इस कन्या का हाथ नहीं थामेगा। मेरा बेटा ब्रह्मचारी रहा तो भी चिंता नहीं है, पूर्ण आयुष्वंत रहे तो बस है। कुमार को अगर सुखी जीवन जीना हो तो इस कन्या को छोड़ना होगा। विजय कुमार, तुम्हें इस कन्या को छोड़ना होगा। इससे भी रूपवती, सौभाग्यवती, सब गुणों से संपूर्ण कन्या से तुम्हारा विवाह करवाएंगे। नहीं माँ, मुझे सुलक्षणा, रूपवती, सुंदरी की इच्छा नहीं है। कामिनी की काम इच्छा रखने वाला कामुक भी नहीं हूं मैं। मेरे मन मंदिर में बसी हुई स्त्री का हाथ थाम कर उसे अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय ले चुका हूं मैं। कुमार, तुम अपनी इच्छा का शिकार बनकर हमसे पुत्र शोक करवाना चाहते हो क्या? कुमार, तुम इस राज्य के भावी चक्रवर्ती हो। तुम केवल हमारे पुत्र ही नहीं हो, इस राज्य के अधिपति होकर प्रजा की भलाई के बारे में सोचना है तुम्हें। क्षमा कीजिए पिताजी, इस कन्या का हाथ थामने के बाद मुझ पर कोई भी संकट आए मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। बेटे, पिताजी, आपका बेटा होने के नाते आप ही की तरह क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहता हूँ। दिए हुए वचन को मैं तोड़ नहीं सकता। मैं अपना वचन तोड़कर मैं अपना अपमान नहीं सह सकता। कुमार, तुम इस तरह जिद करके हमें शोक सागर में डुबाओ मत बेटा। अपनी माँ का मन मत दुखाओ बेटे। माँ, सिर्फ अनुमान को लेकर मैं अपने निर्णय को नहीं बदल सकता। कुमार, मैं उसका हाथ थाम कर मर जाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिना हाथ थामे भी मैं मर सकता हूँ। यही तुम्हारा अंतिम निर्णय है स्वामी? देवी, कुमार बहुत जिद्दी है। इसकी इच्छा के अनुसार ही होने दो। भगवान। विमला, कोई भी माता पिता ऐसे संबंध के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक जीवन है उनकी बेटी सुखपूर्वक रहे, सौभाग्यवती रहे, ऐसा ही वो हमेशा चाहेंगे। इस विषय में किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर वधु का मन एक हो चुका है। एक भी जीव जंतु महल में प्रवेश ना कर सके, ऐसा अद्भुत महल बनवा दूंगा मैं। इनके विवाह की प्रथम रात्रि ये दोनों इसी महल में बिताएंगे। पंडित जी, शुभ मुहूर्त निकालिए। जी महाराज। मंत्री जी, विवाह की तैयारियां कीजिए। इस विषय में अच्छी तरह सोच कर निर्णय लें, ऐसी विनती है महाप्रभु। हमने सोच भी लिया है और निर्णय भी ले लिया है। आप विवाह की तैयारियां कीजिए, ये मेरी आज्ञा है। जी महाराज। ये क्या, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है? विवाह क्या होता है बताओ तो जरा, विवाह किसे कहते हैं? ये शादी क्या होती है बटो? Mm-hmm.
पकड़ लिया, पलंग के नीचे छुपकर चोरी चोरी दूध पीते हो। यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने। मुझसे? हाँ तुम्हें। तुम्हारा मेरा संबंध क्या है? क्या संबंध है? रुको बताता हूँ। हम दोनों का पूर्व जन्म का संबंध है। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे इस जन्म में विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करेगा? मुंह देखा अपना। क्या हुआ है मेरे मुंह को? बिल्कुल बंदर की तरह है। दरवाजा खोल, मैं आया हूँ। अरे अरे वो आ गया, मुझसे बड़ा अधिकारी है, उसे पता चला तो मुझे काम से निकाल देगा। अरे क्या करूं, अरे क्या करूं, क्या करूं? छोड़ मुझे बचाओ, अब तुम ही मुझे बचाओ। तुम्हें जाने के लिए एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा से जाना होगा। एक ही दरवाजा है? उसकी नजर में पड़े बिना कैसे जाऊं? उसकी नजर से बचकर जाना चाहते हो क्या? ठीक है आओ। अरे मर गए। अरे आओ बोला ना, चलो। अरे जल्दी बैठ जाओ। अरे चलो ना जल्दी, और हिलना नहीं हो। उसे पता चला है। अंदर। कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, दरवाजा खोल। आई। कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने के लिए? ए, तुम पर पता नहीं क्यों मुझे शक सा हो रहा है। क्या तुम यहाँ अकेली हो या तुम्हारे साथ और भी कोई यहाँ पर है? कीड़े पड़े तेरे मुंह में। मैं अकेली नहीं हूँ तो और कौन होगा मेरे साथ? चल जैसे आया है वैसे ही निकल जा यहाँ से। मजाक कर रहा था मेरी मैना, यहाँ से जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ मैं। मैना हूँ नहीं रहना हूँ, निकल बाहर। ढकेल मत, ढकेल मत। वहाँ देख वो चटाई कैसे हिल रही है। हिल रही है? तुम्हारा सर हिल रहा है, बस निकल बाहर। तुम्हें पता नहीं आजकल महल में सांप का डर ज्यादा हो गया है, कौन से समय पर कैसे कहां घुस जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। रुक तुझे देखता हूं। अंदर होने वाले नागराज, तुम्हें थोड़ा पीट कर देखता हूं। तुम हो? मैंने सांप समझा था, ये तो तुम निकले। तुम यहां क्यों आए हो? इससे शादी करने के लिए यहां आया हूं। मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इससे विवाह करूंगा। अगर तुम अधिकारी हो तो अपने अधिकार से विवाह करो, मैं इससे विवाह करूंगा। ए, मैं विवाह करूंगा। मैं करूंगा। मैं यहाँ झगड़ा करने आए हो तुम लोग, महाराज से कह दूंगी, निकलो बाहर। नहीं। विमला, आप? हाँ मैं। तुम्हें छूने का हक मुझे नहीं तो और किसे है? विमला, तुम्हारे माता पिता और मेरे माता पिता सभी हमारे विवाह के लिए मान गए हैं। विवाह मेरा? क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? तुम इस राजकुमार से विवाह करके मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर महारानी कहलाओगी। महारानी? मैं महारानी? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? पंडित जी ने जो कहा वो सुना नहीं आपने? उनकी बात तो मेरे कानों में पड़ी ही नहीं, मेरी आंखें तो तुम पर टिकी हुई थीं। और वैसे भी पंडित जी ने कहा क्या था? ये मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती। तुम नहीं कह सकती, ऐसी बात है क्या? क्या कोई शत्रु मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहा है? देश पर संकट आने वाला है, या फिर हम दोनों के भिखारी बनकर भिक्षा मांगने की स्थिति आ रही है? विमला, कुछ भी हो जाए, हम दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं किसी चीज से नहीं डरती, अगर डरती हूँ तो सिर्फ अपने भाग्य से। विमला, मुझे मृत्यु आने तक तुम्हें अपने भाग्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी से तो डरती हूँ,
मतलब मेरी मृत्यु का डर है तुम्हें? हाँ, पंडित जी ने भी यही कहा था। महाशास्त्र के पालनीय पंडित जी ने जो बताया वो सत्य है। वो मेरे मन को जलाकर तड़पा रहा है। आपने मुझे साम्राज्ञी बनाने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन लेकिन मैं आपकी मृत्यु का रूप बनकर आपके विनाश का कारण बनी हूँ। मेरे कारण सांप आपको डसकर आपके प्राण ले लेगा। हमारा ये विवाह सौभाग्य कारक नहीं है, मृत्यु कारक है। इसीलिए आप मुझे छोड़कर किसी और से विवाह करके सुखी रहिए। ये चिंता तुम छोड़ो विमला, मेरी मृत्यु विधाता के हाथों में है, उस पंडित के हाथों में नहीं। परम शिव भक्त होते हुए इस तरह हिम्मत हारना अच्छी बात नहीं है। अपने मन से बुरे विचारों को दूर करके खुशी से निश्चिंत होकर रहो। अब मैं चलता हूँ। परमेश्वर, मेरे होने वाले पति को कोई भी सांप ना डसे, इसलिए आपको इनकी रक्षा करनी होगी, रक्षा करनी होगी। महाप्रभु, सारी तैयारियां हो गई है ना मंत्री जी? सब तैयारी हो गई है महाप्रभु। हाँ हाँ, निर्भय होकर रह सकते हैं। किसी भी जीव जंतु के अंदर प्रवेश करने की संभावना ही नहीं है। बहुत खुशी हुई मंत्री जी, बहुत खुशी हुई। मेरा बेटा और बहू खुशी से रह सकते हैं। है? जी महाप्रभु। ए, देखा ना तुमने महल को कितनी भद्रता से बनाया है। अब चुप हो जा, हर वक्त बड़बड़ करते रहता है वो। अगर दरवाजा बंद करके चले गए तो हमें यहाँ बैठना पड़ेगा। चलो। We'll be right back.
क्या? मैं हूँ, क्या तुम अकेली हो? ए, मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का भी पैर हाथ तोड़ने की ताकत मेरे अंदर है, समझे? हाँ तो तोड़ना, किसने मना किया है? हाथ पैर तोड़कर पलंग पर बिठा दे, फिर हम दोनों मिलकर प्यार करेंगे। ए, कमला दरवाजा खोल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, जल्दी खोल दरवाजा। रुको आती हूँ। कमला, कमला, अब क्या करूँ मैं, वो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। मैं भी तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ। हाँ, एक काम करते हैं। हाँ, बोलो। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। मरता भी नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं चला आता है। क्या करूँ? कमला, इधर आओ, इधर आओ। ओहो, ये पहनो, पहनो। साड़ी पहननी होगी। मैं मर्द हूँ। कौन कहता है तुम मर्द नहीं हो? देखो मेरे प्यारे राजा, तुम मेरे बदले में रहो और उसे किसी भी तरह भगा दो। देखो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे क्या? ले लो राजा, तुम मेरे प्यारे हो ना। साड़ी पहननी होगी। तुम अच्छे हो ना, देखो उसे किसी भी तरह फुसला कर बहला कर भगा देना। क्या मुसीबत है, सच्ची बात, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, ये सब है ना एकदम ठीक होना चाहिए, किसी भी तरह है ना उसे यहाँ से भेज देना, समझे? इसके बाद मैं तुम यहीं रहोगी ना? हाँ राजा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रुकूंगी, ठीक है? मैं यहीं हूँ। कमला, 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 युवराज ने कहा है हम दोनों का विवाह कराएंगे। होने दो, होने दो। कमला, कमला, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? हमेशा तुम्हारा नाम ले लेकर मेरी आवाज बैठ गई है। हाँ। तुम्हारे बाल क्यों कम लग रहे हैं? तुम्हारी चिंता में रो रो कर मेरे सारे बाल झड़ गए हैं। हाँ। तू ही चांद है और तू ही चांदनी, प्रियतम है झलक दिखलाना रे, तू ही प्रियतम है, तू झलक दिखलाना रे, प्रियतम है झलक दिखलाना रे, आना झलक दिखलाना रे, तू झलक दिखलाना रे, झलक दिखलाना रे। हाँ मैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आया हूँ बताऊँ? पता है उस दिन तुमने सांप कहकर मुझे बहुत मारा ना, इसीलिए आज मैं तुम्हारी गर्मी उतारने आया हूँ। मेरी गर्मी उतारोगे? हाँ। ए, मैं तेरी गर्मी उतारूंगा, अभी इसी समय उतारूंगा। हाँ। देखते रहना। ए रत्नमाला। हाँ? यहाँ। उस दिन तुम इसकी चंपी करोगी कहा था ना, अब इसका क्या करोगी? हाँ? कौन है ये? तुम ही पूछो। हमारे महल में लगता है कोई नई आई है। ये इस महल की नहीं है, ये मेरे दूर की रिश्तेदार है। तो यहाँ क्या करने आई है? तुम्हारी सौतन बनने के लिए आई है। क्यों? ओ तो तुम हो? हाँ मैं हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जाओ यहाँ से? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम मेरे बीच में मत पड़ो। कितने दिन से चल रहा है ये चक्कर? माता जी चुपचाप यहाँ से चली जाइए या मैं भगाऊं। तुम्हारे साथ ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ लिया? हे भगवान, कहा अगर फंस गया मैं। माता जी रहने दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल यहाँ से। तुम्हारे कारण मुझे पड़ी ना रे। चल 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 चल, डरेंगे नहीं, आज के बाद ऐसा हरगिज नहीं होगा। चल। हाँ चल कमला। भगवान की इच्छा से ये रात सुख से बीते। मुझसे बैर करने वाली वो विमला विधवा होनी ही चाहिए, उसके सुहाग को मिटाना ही होगा।
आपकी जिद का परिणाम कहीं बुरा ना हो, एक बार अच्छी तरह विचार कीजिए। विचार करने जैसा कुछ नहीं बचा है, अब केवल करना ही बाकी है। उस विमला के पति की मृत्यु, विषधर। देवी, तुम इसी क्षण चंद्रवती के राजमहल में जाओ, लोहे से बनी हुई दीवार को पिघलाकर कमरे में प्रवेश करो, विमला के पति को डस कर उसकी आहुति लो, जाओ। जैसी आज्ञा देवी। विमला, तुमने मुझसे टकराने की हिम्मत की है ना? आहा, विमला, तुम्हारी इस मधुर वीणा के सुरों से मेरे दिल के तार बज रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है मुझे। आप सदैव खुश रहें, ऐसी मेरी इच्छा है, मैं हमेशा यही चाहती हूं। क्या देख रही हो तुम? इस कमरे में सजाई हुई वस्तुओं की इस कलाकारी को देख रही हूं। तुम रूपवती हो, रति हो। सुनो, यहां मेरी तरफ देखो। तुम्हारी आंखों में मुझे क्या दिख रहा है जानती हो? प्यार में खोया हुआ आपका मन और आपकी आंखों में तुम्हारा सौंदर्य। विमला, नहीं, सूर्योदय होने तक मेरा व्रत भंग ना कीजिए। विमला, हमारी ये रात कभी ना भूलने वाली है। दो जिस्म और आत्माओं के मिलन की महारात है ये विमला। अपने व्रत के कारण इसे बिगाड़ो मत। नहीं, मेरी बात मानिए, हमारे दंपति हित दृष्टि से सिर्फ आज की रात दूर रहकर मृत्यु से जीत जाएंगे। मृत्यु? लोहे की दीवारों से मजबूती के साथ बनी हुई ऊंची इमारत के अंदर एक छोटा सा कीड़ा भी प्रवेश नहीं कर सकता, तो सांप कैसे आ सकता है? मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? स्वामी, मैं आपकी सेविका हूँ, फिर भी आपकी बात टाल रही हूँ। आप प्रेम मोह के इस जाल में फंसकर संकट को हावी होने मत दीजिए। मतलब ये पूरी रात हमें यूं ही बेबस होकर बितानी पड़ेगी? नहीं हो सकता विमला, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। स्वामी, स्वामी सब्र कीजिए, इस एक रात को बीत जाने दीजिए। स्वामी, मेरी बात मानिए, मृत्युदेव को आमंत्रित मत कीजिए। दोबारा उस मृत्युदेव का नाम मत लेना। मेरी मृत्यु अगर आज मेरे नसीब में लिखी होगी तो हमारे बचे हुए ये कुछ पल हमें खुशी से बिताना चाहिए विमला। इसके बजाय पल पल मृत्यु के डर से हम तड़पते रहे क्या, डरते रहे क्या? नहीं विमला, नहीं, ये समय हमारा है विमला, ये समय हमारा है। मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरी व्रत पूजा पूरे करने का समय दीजिए, इस विष भरी रात को बीत जाने दीजिए। उस ईश्वर की इच्छा से हमारा जीवन अमृतमय हो जाएगा। Thank you.
शराब। कैसा आश्चर्य है ये, जो सांप मुझे डसने आया था उसे दूध पिलाकर भेज दिया। तुम सामान्य स्त्री नहीं हो। ये सब उस ईश्वर की कृपा है। जाओ कुलधाती, तुमने हमारे कुल का अपमान किया है। मेरी आंखों के सामने मत रहो, दूर हो जाओ, जाओ। तक्षक, तक्षक। देवी, सूर्योदय होने से पहले तुम चंद्रवती राजा के महल में जाकर उसके पुत्र को मिटा देना। Yeah.
स्वामी क्या हुआ? क्या हुआ स्वामी? स्वामी 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 नहीं स्वामी नहीं स्वामी स्वामी नहीं 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 स्वामी स्वामी इस तरह से सभी लोगों को खुशी होगी। ये रात कैसे बीतेगी पता नहीं। पार्वती परमेश्वर की भक्त होने के नाते हमारी बेटी का सुहाग किसी भी तरह बच जाए। निम्ला। पार्वती परमेश्वर की कृपा मुझ पर नहीं है। क्या हुआ बेटी? मेरा सुहाग मिट गया। ये क्या कह रही हो बेटी? पिताजी, मेरे पति को सांप ने डस लिया। कुमार बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल कुमार आंखें खोल बेटा कुमार बात कर बेटा एक बार बात कर बेटा हमसे बात क्यों नहीं करते हमसे रूठे हो क्या बेटे हम सबको अकेला छोड़कर क्यों चले गए बेटा राजकुमार मेरी बेटी का सिंदूर मिटाने के लिए उससे विवाह किया बेटे पंडित जी ने तुम्हारे विवाह का मुहूर्त निकाला था या तुम्हारे जीवन ज्योत बुझाने का मुहूर्त निकाला आज के बाद बेटे के घर में किसको पुकारूं स्वामी देखो आपने कितना बड़ा अनर्थ हो गया परमेश्वर ये कैसी कठिन परीक्षा है परमेश्वर ये कैसी कठिन परीक्षा है अब मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ है मेरे बेटे का विवाह देखकर खुशी प्राप्त होने के बदले इस तरह रो रो कर हमें तड़पना होगा परमेश्वर राजकुमार मर गया और मेरी विरोधी विमला विधवा हुई विधि अनुभव करना ही होगा मंत्री जी कुमार के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाए नहीं पिताजी ऐसा मत कीजिए मेरा सुहाग मिट गया है सोचकर ऐसा कदम मत उठाइए उस पार्वती परमेश्वर की दया अगर मुझ पर जरा सी भी है तो ये अपनी नींद से अवश्य जागेंगे बेटी ये तुम्हारा भ्रम है छोड़ उसे जो जा चुका है वो फिर वापस नहीं आता बेटी वापस नहीं आता मंत्री जी सुनिए आगे के कार्य का प्रबंध किया जाए नहीं नहीं मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ ऐसा मत कीजिए श्रद्धा पूजे कोई न जाना सत्यता क्या है भक्त ही जाना सत्यता क्या है भक्त ही जाना दाता उसमें करता है धारण दाता उसमें करता है धारण मंगल सत्यता सुख का कारण तेरा स्थान है तीर्थ धाम करुणा धरुणा कार्य है करना तेरा स्थान है तीर्थ धाम। बहू की जिद से मेरा मन उदास हो गया है कुमार का अंतिम संस्कार करूं या ना करूं ऐसी चिंता खाए जा रही है अति सुलक्षण और विद्यावती हमारी बहू के विश्वास में मुझे भी विश्वास होने लगा है इसी बीच मंत्री जी की सलाह पर भी विचार कर रहा हूं मैं
प्रभु, ऐसे में मुझे भी कुछ सूझ नहीं रहा। कुमार को खो देने के बाद मुझे हर जगह अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही कीजिए। चिंता मत करो देवी, मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं बहू की इच्छा के अनुसार ही चलूंगा। कौन है वह? जब तक मैं आज्ञा ना दूं, कुमार का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, ऐसा मंत्री जी से कहिए। जो आज्ञा महाप्रभु। परमेश्वर, आप जगत के माता पिता हो, भक्त जनों के बंधु हो, जो आप पर इतना विश्वास करती है उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों? बचपन से ही मैं आपका ध्यान करती आई हूँ, आपकी पूजा करती आई हूँ, और मुझ पर ऐसा संकट क्यों? परमेश्वर, मेरे पति के प्राण लौटा दो, अपनी भक्त को निराश मत करो, निराश मत करो, नहीं तो मेरे प्राण भी ले लो और मेरे पति के साथ मुझे भी वहां बुला लो, मुझे भी बुला लो। देख ली ना तुमने मेरी शक्ति, विवाह के प्रथम दिन ही तुम्हारे सुहाग को मिटाने वाली मैं सामान्य नहीं हूँ। भक्ति से मेरी शरण में आ जाओ। भक्ति से तुम्हारी शरण में आ जाओ? यह असंभव है। तुम भक्तों के शत्रु हो, देवी नहीं हो, द्रोही हो। शिव पार्वती में विश्वास रखने वाली मुझे तुमसे कैसा द्रोह? अब इसकी शिक्षा तुम्हें मिलेगी। तुम अपनी सर्वशक्ति खो दोगी, तुम्हारा संकल्प सौभाग्य मिट जाएगा। मेरे इस श्राप की वो जगत माता पार्वती ही साक्षी है। देखा ना मेरी देवी का प्रभाव? जाओ, चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। रुको, ये कैसा भयंकर रूप है? पतिव्रता का श्राप पता चला कैसा होता है? बस मुंह बंद कर, तुम सबकी अधिदेवी होते हुए मेरा अपमान करती हो। तुम तुम्हारी अधिदेवी है क्या? क्या? पतिव्रता की श्राप से बलि हुई तुम महापतिता हो। पतिता, पतिता। तुम अधिदेवी नहीं हो, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकती। कन्याओं की विश्व ज्वाला तुम्हें भस्म कर दे, इससे पहले यहाँ से चली जाओ। निकल जाओ। तुम जैसी द्रोहियों की देवी बने रहने से अच्छा है स्मशान में रहने वाले भूत प्रेत की अधिदेवी बनकर रहना। पिताजी, पिताजी, माँ, पिताजी, महादेव महादेव, हर हर महादेव शंभो, हे पार्वती पति गिरजा वल्लभ, नमो नमः, ओम नमः शिवाय, नमो जगदम्बिकाय। शिवकन्या, हाँ, ये क्या हुआ है आपको? किसी के श्राप से ऐसी हुई हूँ। शिव 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 शिव, हे जगत रक्षक, अपनी इस बेटी को इस श्राप से मुक्ति दीजिए प्रभु। उस सती के श्राप से मुक्ति पाना किसी से भी संभव नहीं है। पिताजी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कुमारी, सती के श्राप से अगर तुम्हें कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल सती ही कर सकती है। तुम उसके चरणों का आशीर्वाद लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताजी, उस सती के श्राप का कोई विमोचन नहीं है क्या? पुत्री, ये किसी से संभव नहीं है। उस सती का व्रत नियम सफल होना चाहिए, उसी से तुम्हें विमोचन प्राप्त होगा। जाओ, उसकी शरण में चली जाओ। देवाधिदेव, आपने अपनी पुत्री को ही सजा दे दी। मेरी ये पुत्री केवल वांछनीय स्वरूप है, और वांछने हिंसा का मूल है, और हिंसा
पाप का कारण है। उस पाप का परिहार जब तक नहीं होगा, उत्तम स्थिति कभी प्राप्त नहीं होगी। धन्य हो नटराजा, धन्य हो, आप सचमुच नटराज ही हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। राजकुमार का अंतिम संस्कार किए बिना शव को कहीं छिपा कर रखा है महाराज ने, इस कारण राज्य में रोष बढ़ जाएगा, ऐसा प्रजा का कहना है। कहने दो, राज्य जल जाने दो, जल जलकर भस्म होकर हमारे हृदय का शोक भी उसके साथ भस्म हो जाने दो। आप ऐसे फैसले से अपनी कीर्ति पर कलंक ना लगाएं, ऐसी मेरी विनती है महाराज। कलंक कलंक कलंक, ये कैसी परीक्षा है? इस चिंता में हम जिए या मरे कुछ पता नहीं चल रहा है। फैसला करूंगा, मेरी बहू के आंसू ना रुके तो भी चिंता नहीं है, पर मैं फैसला करके ही रहूंगा। मुझे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना ही होगा। स्वामी, स्वामी, मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी चलूंगी। स्वामी, 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 नहीं, 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 स्वामी। तुम क्यों चिता पर जा रही हो बेटी? मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती, मुझे भी जाना है, मुझे भी। इसके शव का हमें अंतिम संस्कार करना है। इनके साथ मेरा भी अंतिम संस्कार कीजिए। नहीं, तुम क्यों आत्मदान करना चाहती हो? माँ जी, मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी? मतलब उसके साथ में तुम भी जलकर भस्म होना चाहती हो? नहीं बेटी, नहीं। मैंने जो व्रत रखा है, अगर मैं उसे पूरा नहीं कर सकती तो मैं जीकर क्या करूँगी? नहीं बेटी, तुम अपना व्रत पूरा करो, तुम अपने प्राण मत दो बेटी। इससे आगे हमारा बेटा और बहू सब तुम ही तो हो बेटी। कम से कम हमारे लिए तुम्हें जीना होगा बेटी। जिद मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरा शरीर पति से अलग भले ही हो, पर हमारे प्राण एक है, मैं उनसे अलग नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। भगवान के लिए मुझे आज्ञा देकर आप सभी चले जाइए। पत्नी होकर जब तुम ही उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती तो हम उनके जन्म देने वाले माता पिता कैसे छोड़कर जा सकते हैं? मैं तुम्हें चिता में जलने भी नहीं देंगे और तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाएंगे। भूतो, भूतो, प्रेतो, मैं तुम सबकी साम्राज्ञी हूं, आपको क्या चाहिए? ठीक है, वहां देखो, वहां एक राजकुमार का शव पड़ा है, आप अभी जाकर उसे खुशी से ग्रहण कीजिए, जाइए। ये शव हमारा है, इसे हमें दे दो। ये शव नहीं है, योग निद्रा में सोए मेरे पति हैं। ये हमारा आहार है। भूतगणों, मैं पार्वती परमेश्वर की भक्त हूँ और आप उनके गण हैं। इस तरह जिद करना धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म, हम सब धर्मी हैं और तुम सब अधर्मी हो। पिताजी, प्रसाद लीजिए। पिताजी, मैं अपने पति के पास बैठकर ध्यान करूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी।
सब लोग एक साथ क्यों आए हो? महाप्रभु, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसी चिंता से हम यहाँ आए हैं। अंतिम संस्कार ना हुआ तो बारिश नहीं होगी और सब नष्ट हो जाएगा। शव इस तरह रखने से रोग फैलेगा, लोग बीमार हो जाएंगे। अपनी बहू की तरह आप भी जिद करके बैठे रहोगे तो इसका अंत कब होगा? मेरी बहू की आराधना समाप्त होने तक मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। आपके बहू की आराधना कभी समाप्त ही नहीं होगी। अगर आप भी इसी तरह जिद करेंगे तो आपकी प्रजा का क्या होगा? महाराज होने के नाते अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है। आपने बेटे को तो खो दिया है, अब बहू की बातों में आकर अपनी इज्जत मत गंवाइए। हाँ, आपके वंश का पालन करते आ रहे आपके कर्तव्य को तोड़कर राजधर्म का उल्लंघन करेंगे क्या? नहीं नहीं, मेरे धर्म की रक्षा होनी ही चाहिए। कृपया प्रयत्न करके आपके वंश के गौरव को बचाइए, प्रजा की भलाई के बारे में ध्यान दीजिए, हमारी विनती है। जिद छोड़कर अपनी बहू की बातों को भुलाकर चिता को आग लगाने दीजिए। चिता को आग लगाकर हमारा कर्तव्य पूरा करेंगे। क्यों, मेरे बेटे की चिता को जलाने की जल्दी है तुम लोगों को? बेटा मर चुका है, उसकी देह को जलाना ही होगा। प्रभु, जिस माँ ने इसे जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया उसका दुख तो समझिए। अगर तुम्हारे और बहू के दुख के बारे में सोचता रहा तो आज के बाद मैं धर्म भ्रष्ट कहलाऊंगा। प्रभु, राजधर्म, वंश धर्म, कीर्ति, इन सभी को आपको बचाना होगा। ये लीजिए, आप ही आग दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो हमें अवसर दीजिए, हम चिता को आग लगाएंगे। नहीं नहीं, मुझे दो। भगवान, नहीं, हमारे बेटे को जलाने के साथ साथ हमारी बहू को भी चिता में जला देंगे क्या? अब तक मैंने बहुत सब किया, मृत्यु से जीत कर हमारा बेटा वापस नहीं आएगा। हमारी बहू विधवा हो चुकी है। पिताजी, मैं विधवा नहीं हूँ, मैं विधवा नहीं हूँ, मैं सुहागन हूँ, सुहागन। तुम्हारा पति मर चुका है, क्या ये तुम्हें पता नहीं है? पता है, मगर मुझे उस परमेश्वर पर भी विश्वास है। मेरा व्रत पूरा होने से पहले मेरा हृदय आप मत जलाइए। पिताजी, आपके बेटे पर, आपकी बहू पर आपको इतना द्वेष है? जो मरा वो मेरा एकमात्र पुत्र है, लेकिन इस राज्य की प्रजा भी मेरे लिए बच्चों के समान है। मेरे मरे हुए एक बेटे के कारण क्या मैं इस पूरे राज्य की जनता को रोगी होने दूं क्या? तुम्हारी भक्ति प्रेम फल दे सकती है तो दे या ना दे, मैं इस देश का राजा हूँ। अपनी प्रजा की भलाई के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, राजनीति के लिए मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। पिताजी, इन मूर्ख प्रजा की इच्छा पूरी करने के लिए आप भी मूर्ख बन रहे हैं, ये मैं देख नहीं सकती। देखना है तो देखो, नहीं तो छोड़ो, मगर मैं अपनी प्रजा की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऐसा ही कीजिए, इन सब की इच्छा पूरी करने के लिए हम सबको भी जला दीजिए। ज्यादा बातें करके मेरे हृदय में होने वाली आग को और मत भड़काओ, और बात मत करो, चुप रहो तुम। मैं चुप नहीं रह सकती, ये सब देखकर मैं चुप नहीं रह सकती। महादेव, शंकर, प्रभु, तुम्हारी ही तरह मेरी बहू भी महादेव शंकर का नाम लेकर महाशोक मना रही है, इसलिए मैं इस चिता को आग लगा रहा हूँ। मेरे बेटे के साथ मेरी बहू भी जल जाने दो, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मेरी प्रजा की बातों के अलावा मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। परमेश्वर जगदम्बे, तू ही बचा प्रभु। सदा शिवा, सदा शिवा, सदा
दे। आओ नारद। विमला यहाँ आओ। शंकर जी, परमेश्वर। विमला तुम्हें क्या चाहिए मांगो। इसलिए जो मांगो कि तुम्हें मिलेगा। बेझिझक मांगो पुत्री। मांगो बेटी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। मुझे और क्या चाहिए परमेश्वर, पति के बिना मैं पतिता होकर जी नहीं सकती। तुम्हारा पति भी जीवित है पुत्री, देखो राजवर्मा। स्वामी। परमेश्वर तुम्हारी महिमा अपरंपार है, आपने हमें बचा लिया परमेश्वर, हमारा उद्धार किया आपने। हम कितने भाग्यशाली हैं, आप सबके दिव्य दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया परमेश्वर। स्वामी केवल भक्तों को अभय प्रदान करके आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी बेटी के कष्टों को क्यों नहीं दूर किया परमेश्वर। पिताजी, माँ, मुझे क्षमा कीजिए, इस पाप से मुझे विमुक्त कर दीजिए। बेटी तुम विमला से हार गई हो, मान लो तुम शाप से विमुक्त होना चाहती हो तो विमला के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगनी होगी। बहन मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। पार्वती की बेटी को क्षमा करने की शक्ति मुझ में नहीं है, शिव और पार्वती ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। भक्त की भक्ति ही मुख्य होती है, भक्त की इच्छानुसार चलना ही हमारा कर्तव्य है। महापति व्रता विमला की दया से हम तुम्हें क्षमा करते हैं, तुम्हारे अहंकार को त्याग कर सर्वजनों में पूजनीय बनो। पिताजी आप सबके आशीर्वाद से मेरे श्राप का विमोचन हुआ, आज से अपने अहंकार को त्याग कर सद्गुणी होकर कर्तव्य निभाऊंगी। ऐसा ही करना, तुम्हारे सद्गुणी होने से तुम्हारे भक्त बढ़ेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। चंद्रवर्मा, राजवर्मा, अपने राज्य में जाकर अपनी प्रजा का पालन करते हुए आनंद से रहो। परमेश्वर चुरू।